हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। काफ़ी लंबे समय बाद मैं एक वीडियो, फुल वीडियो ला रहा हूं जो कि बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोग को बताऊंगा कि फोल्डर कैसे बनाते हैं और फोल्डर बनाने के बाद उस आइकन को कैसे चेंज करते हैं, और उस आइकन को चेंज यदि मैं कर रहा हूं तो वो आइकन हाइड हो जाना चाहिए, और बिना नाम का फोल्डर कैसे बनाते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो ही समझ में आएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त बर्बाद किए। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे हैं ये मेरा जो स्क्रीन है, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन, ठीक है। और डेस्कटॉप स्क्रीन जब है और फोल्डर बनाना है, तो फोल्डर बनाने का एक तरीका होता है, राइट क्लिक आप दबाएंगे, यहाँ पे लिखा है न्यू, आप न्यू पे जाएंगे, न्यू पे यहाँ पे फोल्डर क्लिक किया है, लिखा हुआ है फोल्डर पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको फोल्डर बनकर रेडी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक फर्स्ट मेथड है। दूसरा जो मेथड होता है वो बाय कीबोर्ड होता है। यदि बाय कीबोर्ड आपको फोल्डर बनाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाएंगे कीबोर्ड से, तो ये आपका फोल्डर बन जाएगा। फोल्डर बनने के बाद अब आप देख रहे हैं ये जो आइकन है, इस आइकन को मुझे क्या करना है, चेंज करना है। यदि इस आइकन को मुझे चेंज करना है तो आइकन को चेंज करने के लिए मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है और जाना है नीचे प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है कस्टमाइज में। ये जो बॉक्स ओपन हुआ है, इस बॉक्स को बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स का काम क्या होता है कि डायलॉग बॉक्स ये एक तरीके का बॉक्स होता है जिसमें सारे ऑप्शंस होते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, डायलॉग बॉक्स कभी भी फुल स्क्रीन नहीं होता। ये देखिए क्रॉस का सिंबल है, ठीक है। और कस्टमाइज में मैं जाऊंगा। कस्टमाइज में जाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं चेंज आइकन लिखा हुआ है, ठीक है। चेंज आइकन पर मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, चेंज आइकन में क्लिक करूँगा, और मुझे जो भी फोल्डर पसंद है मैं उस फोल्डर पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। आप कोई भी आइकन ले सकते हैं, तो मैं फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, आइकन पे मतलब क्लिक करता हूँ, यहाँ से ओके करता हूँ और फिर ओके करूँगा। तो आप ये देख रहे हैं इसका आइकन चेंज हो चुका है पूरी तरीके से। अगर मुझे इसी फोल्डर का आइकन मैं चाहता हूँ, इसका नाम शो कर होना चाहिए, मतलब न्यू फोल्डर जो नाम है, चलिए मैं नाम चेंज कर देता हूँ। नाम चेंज करने के रीनेम में जाऊँगा। अब मैं नाम यहाँ चेंज कर दिया मैंने नाम, तो मैंने नाम तो सॉरी ये इसका नाम चेंज कर देते हैं। चलिए मैंने नाम तो यहाँ पे POP नाम को मैंने चेंज कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो नाम है बस नाम शो होना चाहिए और आइकन जो शो नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन मुझे क्या करना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे लिखा होगा कस्टमाइज, कस्टमाइज में जाना है। कस्टमाइज में जाने के बाद यहाँ पर आपको चेंज आइकन लिखा होगा, सेम प्रोसेस है दोस्तों। चेंज आइकन में जाने के बाद यहाँ पे आप इसको आप वन बाय वन इस स्क्रॉल बार पे वन बाय वन क्लिक करिएगा लेफ्ट, और जो भी आइकन आप देख रहे हैं यहाँ पे आइकन हाइड है, ठीक है, मतलब ये आइकन शो नहीं कर रहा है, तो इस आइकन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। फिर आपको ओके कर देना है, तो अब आप देखेंगे आइकन जो हो गया वो पूरी तरीके से हाइड हो गया, लेकिन नाम शो कर रहा है। अगर मुझे अगर मैं चाहता हूँ नहीं दोस्तों नाम भी हाइड हो जाना चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आपको करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, फोल्डर पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा होगा रीनेम, रीनेम पे जाना है। रीनेम पे जाने के बाद यहाँ पे एक शॉर्टकट की यूज़ करना है कीबोर्ड से, तो यहाँ पे बैक स्पेस से नाम को हटा देंगे, एक शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, जो शॉर्टकट की का वो जो शॉर्टकट की है वो अल्ट 255। जी हाँ दोस्तों, शॉर्टकट की मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अल्ट प्लस 255, मतलब अल्ट 255 शॉर्टकट की है। दबाने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। अब आप देखेंगे ये फोल्डर जो होगा पूरी तरीके से हाइड हो गया है। जब अगर माउस लेके जाएंगे तो ही ये क्या होगा, शो होगा, है ना। जब माउस आप लेके जाएंगे तो ही ये शो होगा। अब मुझे क्या करना है, इसको नाम भी लाना है और फोल्डर जैसा था वैसा लाना है। तो प्रोसेस सेम है, कंप्यूटर एक नियम होता है दोस्तों, जो चीज़ आप जहाँ से एक्टिवेट करते हैं वो चीज़ आप वहीं से डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो मुझे उसको लाने के लिए राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, कस्टमाइज में जाना है, और याद होगा स्टेप बाय स्टेप तो आप बताते हैं। चलिए चेंज आइकन में जाना है और यहाँ से आपको रीस्टोर डिफ़ॉल्ट कर देना है। क्या कर देना है, रीस्टोर डिफ़ॉल्ट, और यहाँ से ओके कर देना है। आप देखेंगे दोस्तों आइकन तो आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ नाम भी आ जाए, तो नाम लाने के लिए आपका रीनेम में आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको नाम खुद ही लिखना पड़ेगा, अपने से नाम नहीं आता, आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों कि फोल्डर हम लोग कैसे बनाते हैं और आइकन कैसे चेंज करते हैं और नाम को हाइड कैसे करते हैं, ठीक है।